आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गणित का चल रहा था, जो कि मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है 14 फरवरी से। ठीक है, तो गणित के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी आपके एग्जाम में। तो हम सब टोटल 60 क्वेश्चन तक देख लिए थे, जिसमें हम सब दो चैप्टर देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक त्रिभुज और उसके बाद समांतर श्रेणी। अब चैप्टर में बदलाव आता है और अब मैं पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप सबको बताने वाला हूँ, जो कि है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग 10 से 12 नंबर आपके 100 नंबर में से पूछेंगे, जिसमें से एक तो वो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार का जो सवाल है वो तो पूछेगा ही, प्लस ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, तो हम सब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं फिलहाल और एक एक करके देखते हैं। ठीक है, और इसमें हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 70 नंबर क्वेश्चन तक, उसके बाद फिर आगे वास्तविक संख्या ही चलेगी, देखते हैं कितना क्वेश्चन निकल पाता है और कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को देखें लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपको मैं ऑब्जेक्टिव सिर्फ याद नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आपको एक एक करके सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि आप वहां पे चेंज कर देगा अंक और आप बता भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बारीकी से देखें मेरे एक एक कथन को, अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, फिलहाल आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। तो दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 4, 2, 0 और 1। तो दो लगातार संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, एक के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 3। तो मान लेते हैं 1 का 2 से एससी आप निकालेंगे, 2 बार में कट जाएगा तो क्या आया 1। यहां पर भी देखें 2 × 1 = 2, एससी मतलब मौसम महत्तम समावर्तक, ये 2 इधर है तो इधर आएगा, 2 बार में कट गया तो आखिरकार आ क्या रहा है, 1 आ रहा है, यानी 1 कहां है ऑप्शन नंबर डी में, यानी दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा 1, दो लगातार संख्याओं का मौसम होगा 1, यानी 61 का आंसर हो गया डी नंबर। चलिए 62 नंबर में आते हैं, बोलता है यदि एक ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसॉ क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बाय बी, ठीक है, बटे हो जाएगा, डायरेक्ट इसे याद कर ले। 63 नंबर देखते हैं, यानी 62 का आंसर आपका क्या हो गया, 62 का आंसर हो गया आपका डी नंबर। चलिए 63 नंबर देखते हैं, अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, एक्चुअली में अभाज्य संख्या होता क्या है, तो अभाज्य संख्या का मतलब दो ही है, कि वैसी संख्या जो एक में मिले और नहीं तो खुद में मिले, नहीं तो खुद के टेबल में मिले, खुद में मिले, जैसे 2, 2 किस में मिल सकता है, या तो एक में मिल सकता है नहीं तो खुद दो ही में, दो के ही टेबल में मिलेगा। ठीक है, 3, 3 भी अभाज्य संख्या है, एक में मिलेगा नहीं तो 3 में मिलेगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये एक में मिलेगा, 2 में मिलेगा और फिर 4 में मिलेगा, तो सिर्फ दो ही में मिलना चाहिए, कि एक में मिले और नहीं तो खुद में मिले, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 27 जो है आपका 3 में मिलेगा, 27 में मिलेगा, एक में यही खत्म हो गया, 35 तो मिलेगा ही नहीं, 56, 8 × 7 = 56, 8 में भी मिल रहा है, 7 में भी मिल रहा है, 1 में भी मिल रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं। तो 13 जो है आपका, 13 जो है वो एक में मिलता है और नहीं तो खुद के टेबल में मिलता है, यानी 13 में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 63 का आंसर हो गया क्या, 63 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 है, 45 और 60 का मौसम निकालें, सिंपल है, जैसे आप निकालते आए हैं बचपन से। ठीक है, 45 का टेबल पढ़ दें, 45 × 1 करेंगे 45 होगा, 5 बज गया, 5 में 4 गया 1, और जैसे इसको कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा, और जिससे कटता है वो मौसम होता है। ठीक है, तो ये मौसम नहीं होगा, ये मौसम होगा, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है, हाइयर कॉमन फैक्टर, तो मौसम कितना हो गया 15, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 64 का जो आपका आंसर निकल आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आई होप कि इतना का आंसर आप लिख लिए होंगे। अब आते हैं हम सब 65 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो 65 नंबर में क्या बोलता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक क्या है। ठीक है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ये 1.2 का सवाल है। ठीक है, 2 से कटाए तो 2 से ये 72, फिर 2 से कटाएंगे 36, फिर 2 से कटाएंगे 18, फिर 2 से कटाएंगे 9, 3 × 9 = 9, 3 × 3 = 3। आपको सिर्फ बताना है कि 2 का घातांक कितना है। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना
2 × 3 × 3, 3 से कोई मतलब है नहीं, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 पे पावर कितना है 5, ये घातांक का मतलब क्या होता है पावर यानी 5, तो 5 आया 2 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 65 का होगा ऑप्शन नंबर डी, तो 65 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सब 66 से 70वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो इसी चैप्टर के होंगे इस वीडियो में। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 66 से लेकर के 70 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम सब देखेंगे। 66 देखिए क्या बोलता है, 8 पे 0 × 2 पे 0 बराबर क्या होगा। तो ये बहुत आसान सवाल है, पर बहुत बच्चे को आता नहीं होगा। देखिए किसी भी अंक पे अगर जीरो वैल्यू हो, चाहे वो 1 लाख पे जीरो वैल्यू हो, तो उसका वैल्यू सिर्फ 1 होता है। तो 8 पे 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 2 पे 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 × 1 हो गया, 1 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 67 देखते हैं। देखिए इसमें मैं एक इसका अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, 5-7 मिनट का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल यहां समझ लेते हैं। 67वां है 0.7 पे औसत, ठीक है, तो अगर 1 7 है तो आप यहां पे देखिए कहीं पर भी 10 पावर नहीं होगा, मतलब 10 पावर है और 9 पावर है, पर यहां पे 10 पावर होगा नहीं। एक्चुअली में जब ये औसत वाला रेखा आता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेगा, तो इसे उड़ाने के बाद आपको 1 और 0 नहीं देना है, 9 देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा रहता है 2.77, इस पे ऐसे रहता है, इसको उड़ा के क्या दे देते 99 देते, ठीक है, यानी अगर ये वाला रेखा आएगा तो आपको 9 देना। इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल अभी हम सब ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी इसे समाप्त करते हैं। तो इसे उड़ा के 9 देंगे यानी 7/9, ठीक है, जब लाइन रहेगा तब, तो ऑप्शन नंबर ए 67 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इतने ऑप्शन सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, मतलब वो रुकने वाला नहीं है। तो शांत अशांत का क्या मतलब है, हर में जिसका पावर 2n × 5n का रूप होगा, 2n × 5n का रूप का मतलब ये हुआ कि चलिए मान लेते हैं इस 50 का हम कुछ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं कि ये अशांत है या शांत। तो 50 का आप निकाल लें वो अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 से ये कट गया 25 बार में, 5 × 5, ठीक है। तो ये जो 50 के बदले में आप क्या लिखेंगे, 2 × 5 × 5, यही तो लिखेंगे 2 × 5 × 5, समझ में आ रहा होगा। तो अगर 2 और 5 का रूप है, मतलब या तो सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 5 है, और या तो 2 और 5 दोनों है, तो वो होता है शांत, ठीक है। क्या या तो 2 है, या तो नीचे 5 है, यानी सिर्फ नीचे 5 आ गया, या सिर्फ नीचे 2 ही आ गया, या दोनों आ गया, जैसे यहाँ आया 2 और 5 दोनों आदमी आ गया, तब वो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। हमको खोजना है यहाँ पे क्या अशांत, तो अशांत को कैसे खोजेंगे, तो जैसे ही 243 का आप करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को छुएंगे, तो 243 का होता है ये किससे कटेगा 243, तो ये कटेगा भैया 7 से, तो 7 × 21, 7 × 21, 21, ठीक है, ये 7 से कटेगा 49 बार में, ठीक है, कितना बार में 49 बार में, और फिर ये 7 से कटेगा, यानी ये जो नीचे आ रहा है वो 7 × 7 × 7 आप जब 3 बार करते हैं तो ये 243 आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां समझने वाली बात ये है कि 2 और 5, और या तो 2 या तो 5, और या तो 2 या 5 अगर है तभी वो शांत है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या 2 है, नहीं है, क्या 5 है, वो भी नहीं है, और ना 2 है ना 5 है, इसलिए ये 7 आ गया, तो 2 और 5 का रूप नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 68 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ाई करनी है समझ बूझ के। चलिए 68वां का आंसर तक हम सब पहुंच चुके हैं, जल्दी से आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। यानी 2 का रूप हो 5 का रूप हो, या 2 और 5 दोनों का रूप नीचे आ जाए, जैसे यहाँ आया तो वो हो जाएगा शांत, यहाँ 7 आ गया तो ये हो गया, ये क्या हो गया अशांत, ठीक है, ये क्या हो गया अशांत। चलिए मैं इसे रब करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सब कौन से प्रश्न में, तो 69वें प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 69 नंबर देखते हैं हम सब, और 70 फिर इस वीडियो का अंत करेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या है,
याद रखेंगे, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अभी आगे बताएंगे भी हम कि पाई कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। रूट सात का निकलने वाला है नहीं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट पांच रूट दो अपरिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसको पी वाई क्यू में हम सब लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या इस बार पूछा है, ठीक है। तो परिमेय मतलब जिसको रूट में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये रूट पांच तो टूटने वाला है नहीं, तो ये तो ऑप्शन यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। रूट बत्तीस भी अगर आप तोड़ेंगे तो अभी याद कीजिए समांतर श्रेणी वाले में क्या आता था, चार रूट दो यानी रूट रह जाएगा। इसको अभी तोड़ेंगे तो रूट रह जाएगा, इसको तोड़ते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो सत्तर का आंसर वैसे होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि रूट में है एक बटे 144। तो एक का निकलता है बाबू एक और 144 का निकलता है 12, यानी 70 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 70 का आंसर हो गया ए। तो चलिए ये थी इस क्लास के 10 क्वेश्चन जो कि हम सब 70 नंबर ऑब्जेक्टिव तक देख चुके हैं वास्तविक संख्या के। आपको कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। चलिए अब आगे और वास्तविक संख्या के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से करके जाएं, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सब अच्छा मार्क्स गेन कर पाए, ठीक है। अभी भी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऑब्जेक्टिव में ही तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि 100 मार्क्स में आपका 50 तो ऑब्जेक्टिव है, 50 ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव की खास बात यह है कि आंसर आपके आपके पास रहती है, आंसर आपके आंख के नीचे है और फिर भी आप सब ढूंढ नहीं पाते, यही दिक्कत है क्योंकि आप सब ध्यानपूर्वक सवाल को नहीं देखते हैं, ठीक है। आप सब ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, मतलब मैथ का कौन ऑब्जेक्टिव याद करता है, और भी सब्जेक्ट का हम सोच सकते हैं पर मैथ का तो कोई नहीं कर सकता है। तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको फर्स्ट डिवीजन अगर करना है, अच्छा मार्क्स गेन करना है, तो इस 50 ऑब्जेक्टिव को घोर कर पी जाइए। उसी के लिए मैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है, जिसका अभी तक हम सब 70 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया एग्जाम में तो बेहिचक चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे आप करके जाए, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।